रिट पड़ी है और उस रिट के बारे में भी आप लोग सब लोग चिंतित होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, भर्ती पूरी होगी नहीं होगी। तो देखिए, जब तक कि वो रिट कोर्ट मंजूर नहीं करता और कोर्ट मंजूर करने के बाद में उस रिट पर कोई प्रतिक्रिया, देखिए रिट क्या होती है, खारिज भी होती है, रिट एक्सेप्ट भी होती है। रिट एक्सेप्ट होगी तो फिर आगे न्यायिक कार्यवाही बढ़ेगी और जब न्यायिक कार्यवाही आगे बढ़ेगी तब जाके हम लोग जान पाएंगे कि भाई एक्चुअल में असल में चल क्या रहा है, समझे। अब ये लोग री एग्जाम के लिए लड़ रहे हैं या कैंसिल के लिए लड़ रहे हैं वो तो समझ में आएगा कि जब ये रिट याचिका मंजूर होगी। और ये वकील साहब का इस पे नंबर भी पड़ा हुआ है ट्विटर, 534 वाली जो वैकेंसी है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रक्रिया, वो तो ये समझिए जो भी भर्ती बोर्ड की तरफ से प्रक्रिया है, मैं दोनों अगर यहां से सब कुछ सही चलता रहा, ये तो भर्ती बोर्ड की प्रक्रिया है, समझे मेरी बात, डीएचडी पीएचडी के लिए किसने क्वालिफाई किया किसने क्वालिफाई नहीं किया। जो अभी रिट डली है, अब इस रिट का देखिए क्या हो सकता है, या तो भर्ती स्टे की बात होगी या फिर भैया री एग्जाम, जो कि मतलब गलत चीज है। एक्चुअल में क्या था, मांग होनी चाहिए थी कि नंबर सभी के शो किए जाएं, नंबर सभी के क्या किए जाएं, शो किए जाएं। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि रिट आपकी मंजूर होती है या रिट आपकी रिजेक्ट होती है, उसके बाद में ही कुछ प्रक्रिया की शुरुआत होगी, समझे मेरी बात। तो 9534 जो भर्ती है अभी गवर्नमेंट या भर्ती बोर्ड जो चल रहा है उसी के ऊपर चलेंगे। अभी जैसे ही कुछ कोर्ट से खबर आती है तो हम लोग फिर इसकी जानकारी भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे से, और जो भी उचित साधन थे उनके माध्यम से हमने गवर्नमेंट तक जितनी बातें पहुंचानी थी, हम सबने 1 मिलियन तक ट्वीट कराई, भर्ती बोर्ड की तरफ से भी करनी थी, हम लोगों ने अपनी कोशिश पूरी ईमानदारी से की, भर्ती बोर्ड की तरफ से स्पष्टीकरण। इसमें आप भी जो भी पक्ष इसका उचित होगा, अगर पक्षकार बनना चाहेंगे तो हम लोग इसको मतलब गलत वैसे नहीं जाने देंगे कि भर्ती रद्द बद का तो गलत चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सपने हैं, रद्द का तो कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर कुछ ऐसी बात आती है कि रद्द करने पे लड़ते हैं, रद्द करने के लिए जनता चाहती है कुछ, तो हम लोग भी पक्षकार बनेंगे। एक बार ये रिट मंजूर हो या रिजेक्ट हो इसके ऊपर बात हो जानी चाहिए, रिट मंजूर हो या रिजेक्ट हो इसके ऊपर बात हो जानी चाहिए। आगे एक दो दिन में, 3-4 दिनों में, इसी वीक में पता चल जाए, एग्जाम कहते हैं फिर सफाई देते, फिर उन्हें जी मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, तो मैं सोच रहा था कि एक बार कुछ ये लोग अपने करें, तो अगर उसमें कुछ ऐसी हुई उचित अनुचित बात, हम लोग पक्षकार बन सकते हैं बाद में।